आज इस क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम जो हमारा वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम कोई भी मशीन है उसे हम इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं बिना कोई एरर के। देन ये वीडियो हमारा ट्रबल शूट भी हो सकता है जिससे हम देखेंगे कि विदाउट एनी एरर हम कैसे कोई भी ओएस को रन करा सकते हैं वर्चुअल बॉक्स में एज ए वीएमवेयर में जो भी आप सॉफ्टवेयर का यूज करते हो उसमें। तो हम बेसिक से चीजों को कवर करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि पेन ड्राइव कैसे शो करता है वर्चुअल मशीन में। फिर हम जानेंगे कैसे हम नेटवर्क कनेक्शन को इनेबल कर सकते हैं, ब्रिज कनेक्शन को इनेबल कर सकते हैं, कैसे हम अपने वर्चुअल मशीन में इंटरनेट को यूज कर पाएंगे। बेसिकली हम सारे एरर्स को कवर करेंगे, सारे ट्रबल शूट करके आपको दिखाने वाला हूँ इस क्लासेस में। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा क्लास है गाइस, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। एंड विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन आज को, तो बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वीएमवेयर एंड वर्चुअल बॉक्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो जैसे कि इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ पूरे ट्रबल शूट को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ ये है वीएमवेयर। यहाँ से आप वीएमवेयर को डाउनलोड कर सकते हो इजिली। यहाँ वीएमवेयर वर्कस्टेशन प्रो है जो कि काफ़ी लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ से आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हो, काली लिनक्स के लिए डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ मैं आपको बता दूँ नेक्स्ट में है वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स भी काफ़ी बेस्ट सॉफ्टवेयर है वर्चुअलाइजेशन के लिए। यहाँ पर इस टूल का भी आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं, लाइक विंडोज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, विंडोज 7 के लिए यूज़ कर सकते हो, काली लिनक्स के लिए यूज़ कर सकते हो, लिनक्स की जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये भी काफ़ी बेस्ट है। अगर मैं अपना सजेशन दूँ दोनों में किसको इंस्टॉल करना चाहिए, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगा वर्चुअल बॉक्स। एंड पर्सनली मैं खुद से यूज करता हूँ वर्चुअल बॉक्स। सिंपली आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। अब हम देखेंगे वो ट्रबल शूट के बारे से। बेसिकली हमें अपने वर्चुअल बॉक्स को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं सिंपली अपने वर्चुअल बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो वर्चुअल बॉक्स है वो फिलहाल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक सेटिंग करना है। अगर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है काली लिनक्स वो अगर आप रन नहीं करा पाते हैं तो उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आपको क्या करना है। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले आपको सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपली मैं अपने सेटिंग में गया। यहाँ पर आपको सिस्टम वाले ऑप्शन पर जाना है, देन यहाँ पर आप प्रोसेसर वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर जो प्रोसेसर वाले ऑप्शन में अगर आप इसे डिसेबल रखते हैं तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इंस्टॉल करने में कुछ दिक्कत आएगा, कुछ एरर आएगा। सिंपली आपको इसे इनेबल कर देना है, उसके बाद सिंपली यहां से आपको ओके कर देना है। तो ये छोटा सा सेटिंग करना है, उसके बाद आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तुरंत इंस्टॉल हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पर मैं सिंपली अपना जो आईएसओ फाइल उसे ऐड कर चुका हूं, तो मैं यहां पे स्टार्ट नाउ करता हूं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वर्चुअल बॉक्स है वर्चुअलाइजेशन के ऊपर हम अपने एक काली लिनक्स के मशीन्स को भी रन करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही मैं अपने मशीन को रन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे पूछ रहा है लाइव चलाना है कि इंस्टॉल करना है। तो सिंपली मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, देन मुझे लाइव अभी मैं अपने ओएस को रन करा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ टाइम वेट करना है, अभी बूटिंग प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर मेरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो भी कर्नल से हो प्रॉपर है में इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर आपको कुछ टाइम वेट करना है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो काली लिनक्स का मशीन है वो प्रॉपर वे में इंस्टॉल हो चुका है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अपने पेन ड्राइव को चेक करने वाला हूँ कि मेरा पेन ड्राइव वर्चुअल मशीन से इंटरेक्ट कर रही है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको डिवाइसेस वाले सेक्शन में जाना है। देन यहाँ पर मेरे जो पेन ड्राइव है यूएसबी को फॉर्म है, तो यूएसबी में सिंपली क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैं यूएसबी क्लिक किया यहाँ पर मुझे ऑप्शन शो कर रहा है जनरल यूएसबी फ्लैश डिस्क। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपली मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये जो मेरा पेन ड्राइव है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपको कुछ टाइम सिंपली वेट करना है। तो गाइस जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो पेन ड्राइव है मेरे वर्चुअल मशीन से ट्रैक कर रहा है। यहाँ से मैं कोई सा भी डेटा को ले सकता हूँ, लाइक यहाँ पर मेरा देख सकते हो जो मेरा पेन ड्राइव है उसका जो वैल्यू है वो शो कर रहा है। इस तरीके से यहाँ से कोई सा भी डेटा को मैं कॉपी कर सकता हूँ, देन यहाँ से मैं कोई सा भी डेटा को पेस्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से आप अपने पेन ड्राइव को अपने वर्चुअल मशीन से ट्रैक करा सकते हो, देन यूज में ला सकते हो अपने पेन ड्राइव को। इसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्क के लिए। अगर आप अपने वर्चुअल मशीन में इंटरनेट यूज़ करना चाहते हो तो आपको नीड होगी एक वाईफाई, जो यूएसबी वाईफाई है उसको आवर। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि हम अगर अपने वर्चुअल मशीन में इंटरनेट यूज करना चाहते हैं, लाइक आप अपने काली लिनक्स के मशीन में नेट को यूज करना चाहते हो, तो इसके लिए आपके जो लैपटॉप में बिल्ड इन जो एनआईसी कार्ड होता है, लाइक एक वाईफाई का एनआईसी कार्ड होता है,
अगर आप लैंड केबल को यूज करते हैं, अगर आप लैंड पोर्ट का यूज करना चाहते हो तो लैंड पोर्ट के थ्रू आप अपने वर्चुअल मशीन से नेट को यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेटिंग पे जाना है। देन सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता है नेटवर्क सेटिंग, नेटवर्क में यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आपको नेट की जगह सेलेक्ट करना है ब्रिज एडाप्टर। जैसे आप ब्रिज एडाप्टर को क्लिक करते हो आफ्टर यहाँ पे ओके करना है। इसके बाद अगर आप अपने लैपटॉप या पीसी को लैंड पोर्ट से कनेक्ट करते हो तो आपका नेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप कुछ बेसिक से एरर्स को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अपने लिनक्स मशीन को इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट एरर के। देन इस क्लास में इतना ही, जानेंगे नेक्स्ट क्लास में इसे कुछ बेहतरीन ट्रिक्स और टूल्स के बारे में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।